Hello everyone, today we will discuss P.V. Chalet's a famous work, A Defense of Poetry, and the full name of P.V. Chalet is Percy Bysshe Shelley. ये इंस्पायर हुए थे अपना वर्क लिखने के लिए, प्रोज लिखने के लिए, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, जब इनके फ्रेंड थॉमस लव पीकॉक ने पोइट को और पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया था. उन्होंने एक वर्क लिखा था क्रिटिसाइज़ करने के लिए, द फोर एजेस ऑफ पोइट्री 1820 में, जिसमें उन्होंने पोइट्री को और पोइट्स को क्रिटिसाइज़ किया. ये बोलते हैं थॉमस लव पीकॉक के अकॉर्डिंग जो पोइट्री है वो वेस्ट होती है, पोइट अपनी पोइट्री लिखने में ही अपना पूरा टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं. लेकिन जो शाले थे उनके लिए जो पोइट्री है वो नेचर से भी बेटर थी, और वो इसकी डेफिनेशन देते हैं. शाले के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि पोइट्री क्या है, इट्स फुल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इमेजिनेशन, कि पोइट जो भी इमेजिन करता है उसको अपनी पोइट्री में इंक्लूड करता है, हमेशा उसको अपने रीडर्स तक क्या करता है, पहुंचाता है. अकॉर्डिंग टू शाले द रोल ऑफ द पोइट इज अ मॉडर्न वर्ल्ड इज़ वेरी क्रूशियल एंड द पोइट इज़ नीडिड मोरल्स एंड टाइम टू डू द पोइट्री. उनके अकॉर्डिंग क्या था कि आज की डेट में या हमेशा से ही जो पोइट का रोल है वो बहुत क्रूशियल होता है. वो ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखते, वो अपने रीडर्स तक वही पहुंचाते हैं जो नीड होती है सोसाइटी की. वो अपने इमेजन्स के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं जो कि नहीं कर पाते नॉर्मली, जो लोग हैं वो नहीं कर पाते, तो अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना सिखाती है पोइट्री. इन्होंने बोला कि जो पोइट्री है वो इमेजिनेशन करती है और उसके बाद क्या करती है, एक्सप्रेस करती है. यहाँ पे कुछ व्यूज़ अलग अलग भी हैं, लेकिन जो बेसिकली शाले थे उनका जो टोटली कंप्लीट था कि जो पोइट्री है वो इमेजिनेशन पे बेस है, और पोइट्री लिखने के लिए मीटर और राइम्स होना बहुत ज़रूरी है. जबकि जो सिडनी थे इन्होंने भी डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखी है. इनका और शाले का मीनिंग एक ही था कि पोइट्री और पोइट्स को डिफेंस करना, इसलिए इनका जो वर्क है वो इसी नाम से पब्लिश हुआ था, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री. लेकिन जो सिडनी हैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग हैं शाले से. वो कहते हैं कि पोइट्री लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि राइम और मीटर हों, इनके बिना भी पोइट्री लिखी जा सकती है. तो ये कहना था सिडनी का, आप इसको भी कोट एंड कोट करके लिख सकते हैं अपने आंसर में. उसके बाद यहाँ पे बात हुई जो प्लेटो थे उन्होंने क्या कहा था पोइट्स के लिए और पोइट्री के लिए. उन्होंने कहा कि जो पोइट्स होते हैं या पेंटर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की कॉपी करते हैं. इसमें बेसिकली आर्टिस्ट वर्ड यूज़ किया गया, आर्टिस्ट में सभी आ जाते हैं, पेंटर आ जाते हैं, पोइट्स आ जाते हैं, या कोई पेंटिंग बना रहे हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं. शाले ने इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट किया. उन्होंने कहा कि हाँ, डिवाइन आइडियाज़ की कॉपी करते हैं, लेकिन क्या होता है नेचर में जो चीज़ें हैं, सपोज़ जो नेचुरल चीज़ें हैं, टाइम नेचर को ख़राब कर देता है. कितना भी ब्यूटीफुल अगर आप इमेजिन करो, फॉर एग्जांपल बहुत खूबसूरत पार्क है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो ख़राब हो जाएगा. लेकिन अगर वही ब्यूटी पोइट्री में होती है तो वो मॉर्टल हो जाती है, कभी भी नहीं मरती है. देन अगेन पोइट्री के लिए शाले कहते हैं, शाले कंटिन्यू टर्न ऑल थिंग्स टू लवलीनेस इन एग्जैक्ट ब्यूटी द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इट एड्स ब्यूटी टू दैट मोस्ट डिफॉर्म्ड, इट मैरिज एक्सॉस्टस हॉरिज ग्रीफ प्लेजर. तो पोइट्री में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसको नेचर को ही शो किया जाता है. कभी किसी पोइट्री को पढ़कर हमें ग्रीफ फीलिंग आती है, कभी प्लेजर फीलिंग आती है, तो कभी हम अपने इन्वायरमेंट को फील कर पाते हैं. तो इस कंप्लीट में इन्होंने जो डिफेंस किया है पोइट्री को, और जो इनका ये वर्क है वो क्या है, एक एंटीडॉट की तरह है. शाले ने कहा, शाले हिमसेल्फ रेफर टू हिज एसे एस एन एंटीडॉट टू द फोर एजेस. तो अर्लियर आई टोल्ड यू एंड एक्सप्लेन दिस वीडियो दैट कि उनके फ्रेंड थॉमस लव पीकॉक ने एक वर्क लिखा था द फोर एजेस ऑफ पोइट्री. इसमें उन्होंने पोइट और पोइट्री को क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था. तो जो इन्होंने लिखा है पीवी शाले ने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, इसको इन्होंने एक एंटीडोट बोला है. एंड एज यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड एंटीडोट, एंटीडोट किस का, जो इनके फ्रेंड ने फोर एजेस लिखे थे उसका. उसके बाद इसमें बोलती हैं, शाले बोलते हैं, पोइट इमेजिन एंड देन गिव डिटेल्स. जो पोइट्स होते हैं वो कोई भी चीज़ इमेजिन करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, डिटेल देते हैं उसके बारे में कि वो क्या बताना चाहते हैं. इनके अकॉर्डिंग
पी वी शाले के अकॉर्डिंग पोइट्री इज़ अ मिरर गिव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि पोइट्री एक मिरर की तरह होती है, रिफ्लेक्शन देती है लाइफ का. सो आप इस पॉइंट को कैसे समझेंगे? सपोज जो वो देखते हैं नेचर में, जो सिचुएशन देखते हैं, जो सरकमस्टांसेस देखते हैं, उसी चीज़ को वो अपनी पोइट्री में इंक्लूड करते हैं. जो पोइट्स establish morality, according to Shelley, जो poets होते हैं वो morality को establish करते हैं with the help of their poetries. जो poet होते हैं वो हमेशा nature lover होते हैं, and its effects of nature on human being. उनका कहना था Shelley का कि जो nature है उसका effect तो होता है, good और bad, उसका दोनों effect किस पे पड़ता है? Human being पे पड़ता है. पोइट्री एक रीज़न है, अ रीज़न ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें कोई भी रूल्स नहीं होते. यह हमेशा लिखी जाती है किसके लिए? प्लेजर के लिए, कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, या किसी थीम को डिस्क्राइब करने के लिए. मैथ्यू अर्नॉल्ट ने कहा कि जो शैले हैं उनका पोइट्री ही उनका रिलीजन है. और ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्यों कहा? क्योंकि जो शैले थे उनका पोइट्री के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था. उनको इमेजिन करना, पोइट्रीज लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था. फ़िलिप सिडनी ने भी सेम चीज़ कही थी डिफेंस ऑफ पोइट्री के लिए, उन्होंने भी कहा था. लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज है कि शैले बोलते हैं कि पोइट्री लिखने के लिए राइम और मीटर ज़रूरी है, लेकिन फ़िलिप सिडनी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है. बिना राइम और मीटर की नॉलेज के लिए भी हम पोइट्री लिख सकते हैं. तो ये सिडनी के वर्ड्स थे. तो बेसिकली दोनों ही पोइट्स ने क्या किया, अपने अपने तरीके से इस पोइट्री को, ये जो पोइट्स लिखते हैं उनको डिफेंड किया. और इनका मेन एम था कि जो भी, जैसे कि इनके फ्रेंड थॉमस लॉपिकॉक ने पोइट्री के और पोइट्स के रिगार्डिंग बोला कि दिस इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम. सो इसको इन्होंने डिफेंड किया दोनों ने ही अपने अपने तरीक़ों से. तो बेसिकली जब इसमें आता है कि, और शॉर्ट में अगर बोले तो, पोइट्री एक्सप्रेस लॉनलीनेस, हॉरर, ग्रीफ, प्लेजर. तो पोइट्री ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करती है. कभी कभी कोई पोइट्री पढ़ के हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा लॉनलीनेस है, कोई बहुत अकेला है और वो उसमें लिखता है. कभी कभी हमें हॉरर पता चलता है, कभी कभी ग्रीफ की फीलिंग आती है हमें किसी पोइट्री को पढ़कर, कभी कभी प्लेजर. स्पेशली अगर आप लव पोइट्रीज पढ़ते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है? दैट यू फील्स प्लेजर. सो दिस आर द मेन बेसिक पॉइंट्स ऑफ द पोइट्री. उसके बाद है पोइट्री मेक्स इमॉर्टल ऑल दैट इज़ बेस्ट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. ये अनकोट कोट एंड कोट लाइन्स हैं कि जो पोइट्री है वो इमॉर्टल कर देती है सारी चीज़ों को, मतलब कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं चीज़ें, जो चीज़ें पोइट्री में इंक्लूड हो जाती हैं, जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं. आई होप आप फ्रेंड्स आपने इसको समझ लिया होगा.